जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली महिला कुलपति का मैं हिंदी विभाग की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ, जिन्होंने इतनी व्यस्तता होते हुए भी इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में आने, इसके लिए पूरा विभाग आपका शुक्रगुजार है। पूरा विभाग और जामिया बिरादरी दोनों आपका जो है बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे रजिस्ट्रार साहब, आईपीएस एपी सिद्दीकी साहब जी, मानविकी एवं भाषा संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर वाहजुद्दीन अलवी साहब जी, जिनके सानिध्य से हम अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का मार्ग प्रशस्त कर पाए, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बेल्जियम से श्री रमेश ऋषिकल्प जी, मॉरिशियस से सुश्री पूनम जी, पीजी डीएवी कॉलेज से डॉक्टर हरीश अरोड़ा जी, सभी विभागीय साथियों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों और विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए प्राध्यापकों एवं शोधार्थियों का आज की इस एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में आप सभी का स्वागत। छात्रों को पुस्तक रूप में प्रकाशित किया गया है, उन प्रपत्रों की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: समकालीन साहित्य और समाज, समकालीन साहित्य के विविध पक्ष, समकालीन साहित्य में आदिवासी विमर्श इत्यादि इत्यादि। अब हमारी सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर जी अपने कर कमलों से इन पुस्तकों का विमोचन करेंगी। मनोज जी, नजमा अख्तर साहिबा, जो इस 20 में जब हम जामिया का 100वां मना रहे होंगे, यानी कि 99 सालों का जो लंबा सफ़र है, उसमें हमारे बीच में पहली बार महिला वाइस चांसलर के रूप में हमारे बीच में मौजूद हैं, आपकी गरिमामयी उपस्थिति हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार को अंत तक उसका मार्ग जो है वो प्रशस्त करती रहेगी, इसका इसके लिए मैं आशान्वित हूँ। इस संगोष्ठी में मैं सबसे पहले अपने संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर बहाजुद्दीन, प्रोफेसर नजमा अख्तर साहिबा, और ये फख्र भी जामिया को हासिल है कि किसी भी अब तक के कोई वाइस चांसलर ख्वातीन में से नहीं हुआ, तो ये फख्र भी हमको है। और वो सिर्फ इतनी देर से ये भाई, वो हमारी भी वाइस चांसलर हैं, बड़ी खुशी की बात है कि वह खातून हैं, लेकिन पूरी जामिया की वाइस चांसलर हैं। और इस वक्त बहुत ब्रीफ की बात हो रही है, क्या कारनामा है, अंजाम दिए हैं। इस वक्त ये इंटरनेशनल सेमिनार जो है वो है, और नजमा अख्तर साहिबा उसको इनॉग्रेट कर रही हैं। हमारे सिद्दीकी साहब आईएएस हैं, फयाम सिद्दीकी साहब, लेकिन वो टीचर भी रहे हैं, कई साल उन्होंने ला पढ़ाया है, इसलिए ये दो चीज़ें उनमें यकजा हो गई हैं कि वो टीचर भी हैं और एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, इसलिए हम लोगों को कभी कोई दिक्कत उनसे नहीं हुई। बाहर से आए हुए हमारे मेहमान मॉरिशस से मोहतरमा तशरीफ लाई हैं, और बेल्जियम से भी मेहमान हैं हमारे, और डॉक्टर हरीश अरोड़ा साहब जो
बीज वक्तव्य देंगे यानी की नोट एड्रेस उनका है। ये जो विषय है ये मैं आपसे कहूँ कि चूंकि मैं उर्दू पढ़ाता हूँ, मेरे यहाँ स्त्री विमर्श तो है लेकिन ये जो दो विमर्श हैं ये उर्दू में बहुत कम है, यानी दलित विमर्श और पिछली जातों का जो विमर्श है वो हमारे यहाँ बहुत कम है। इस शोबे का ये इख्तिसास है, स्पेशलाइजेशन है कि हिंदी के शोबे ने ये काम किया है। देखिए अदब वो चीज है कि जिससे हम पता चलता है कि जमाने में क्या क्या कुछ हो रहा है। हिस्ट्री से ये पता नहीं चलता है। एक अंग्रेजी का मकूला है कि हिस्ट्री में डेट्स के अलावा कुछ सही नहीं होता और अदब में डेट्स की कोई कीमत नहीं है। क्या हो रहा है, क्या क्या हो चुका है वो सब कुछ पेश होता है। तो ये बहुत पुराना मकूला है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। आज पता चल रहा है कि जो मुख्तलिफ विमर्श हैं, अब से 100 साल पहले बाद ये पता चलेगा कि इस एज में क्या क्या कुछ हो रहा है। और अदब नाम ही इसी का है। देखिए आपको कुल नहीं मिलेगा 1750 में अंग्रेज क्या कर रहे थे, इसलिए कि अंग्रेजों के जमाने में लिखी गई वो नहीं लिख सकते थे। उर्दू का शायर मुसफी कहता है कि हिंदुस्तान की दौलत व हशमत जो कुछ की थी जालिम फिरंगियों ने बतदबीर खींच। तो अदब ये होता है, अदब बताता है कि कैसे जिंदगी गुजारी जा रही थी। हम अपने हिंदी विभाग के लोगों का, उनकी हेड का, प्रोफेसर इंदु वीरेंद्रा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बहुत ही फाल हैं। मैं उनको जब से जानता हूँ, जब वो लेक्चरर थे तब ये इतने ही फाल थी, लेकिन अब उनके हाथ में बागडोर आई है तो पहला सबूत उन्होंने ये दिया के इंटरनेशनल सेमिनार बर्पा कर दिया। मैं अपने हिंदी विभाग के सारे साथियों का, इसलिए ये एक आदमी का काम नहीं है, विभाग के सारे लोग शामिल हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उम्मीद ये है कि ये जो मुख्तलिफ विमर्श हैं इन पे खुल के बात होगी, अपनी अपनी राय सब रखेंगे। अभी जब आप बीज वक्तव्य सुनेंगे, बीज वक्तव्य वो होता है कि पूरा प्रोग्राम पूरा सेमिनार उसी के गिर्द घूमता है, इसीलिए वो कीनोट एड्रेस कह जाता है। इन अल्फाज के साथ मैडम के पास बहुत काम है, हमने 5 मिनट ज्यादा ले लिए। एक बार फिर मैडम का शुक्रिया, सिद्दीकी साहब का शुक्रिया, आप सब का शुक्रिया। खुदा करे सेमिनार कामयाब हो। बेहतर।